सकते हैं। जैसे रेकी का एक मॉर्फिक फील्ड है, प्राणिक हीलिंग का एक मॉर्फिक फील्ड है, हिंदूज का एक मॉर्फिक फील्ड है, इस्लाम का एक मॉर्फिक फील्ड है, फिर कोई संप्रदाय होता है उसका एक मॉर्फिक फील्ड होता है, कोई समूह है उनका एक मॉर्फिक फील्ड होता है। तो ये चीज़ें हैं मॉर्फिक फील्ड। शिवा का कोई मॉर्फिक फील्ड नहीं है। शिवा को पूजने वाले, हाँ, शिवा को जो पूजते हैं, जैसे उनको क्या बोलते हैं, शैव, ओके, इनके जो फॉलोअर्स हैं इनका मॉर्फिक फील्ड है, लेकिन ये मॉर्फिक फील्ड तो रहेगा क्योंकि ये मॉर्फिक फील्ड उनके माइंड से आया हुआ है, फॉलोअर्स के माइंड से। शिवा का उसमें कोई लेना देना नहीं है, शिवा ने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। आप और मैं अगर कोई चीज में सहमत होते हैं और हमारी सहमति के अंदर नंबर ऑफ पीपल बढ़ना शुरू हो जाता है, तब एक मॉर्फिक फील्ड क्रिएट होता है। It's like one association. एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप का मॉर्फिक फील्ड होता है। उसके अंदर हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो कि मानो यहाँ पे 5000 लोग मेरे बारे में सोचने लगे और वो कहते हैं कि हम इस इंसान के दिए हुए टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, मानेंगे, मंत्र करेंगे, तो ये एक मॉर्फिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हुआ। लेकिन उस फील्ड के अंदर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, जीते जी जो मैं बोल गया तो बोल गया, उसके बाद मैं चला गया। ये परमात्मा के रास्ते पर जाएंगे तो हमारा कार्मिक पैकेज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप परमात्मा के साथ जुड़ो या ना जुड़ो, कार्मिक बैगेज तो आपका खत्म होगा ही। अब अगला जन्म नहीं है, एक बार जिन्होंने, हाँ, कभी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके आत्मा वापस घर जा रहे हैं, आपकी क्या कहते हैं, कार्मिक बैगेज भी ज़ीरो हो रहा है और आप इस वक्त परमात्मा के साथ जुड़े हैं। वैसे ना भी जुड़े होते तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक बार कोई परमात्मा को छू लेता है तो बात बन जाती है। सर, इससे हमें अभी जो हमारी स्टोरी लाइन के अनुसार हम जी रहे हैं, तो उसमें जो नए नए होते जाएंगे, मतलब हम किसी का लेन देन, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी का लिया है तो देना पड़ेगा, या किसी को लिया है तो वो रिटर्न, स्टोरी लाइन के हिसाब से वो सब चलता रहेगा, तो वो माइनस भी होता है, कार्मिक बैगेज क्लीन होता रहेगा। लेकिन कार्मिक बैगेज क्लीन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जिसको देना था आप अपने ना दो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी का लिखा था वो आके आपसे छीन के ले जाएगा, वो अभी भी आके आपसे छीन के ले जाएगा। अच्छा, वो कंटिन्यू रहेगा, स्टोरी लाइन अपने हिसाब से कंटिन्यूस रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। स्टोरी लाइन को आप जिस तरह एहसास करोगे उसके अंदर फर्क आएगा। इस वक्त तो उतना ही है। जिन लोगों को रॉड देखना आता है वो एक बार रॉड से चेक कर लेते हैं, लेकिन जिनको देखना नहीं आता है उनको तो फिर मैं क्या बोलूँ। फिर मैं यही कहता हूँ कि जो आपके अंदर से आता है उसके हिसाब से आप चलो। इज दिस आंसर कमिंग फ्रॉम गॉड, तो यस नो वो लोग चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास इतना ही है। माइंड में क्या बोलते हैं, ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? यह गॉड विस्पर तो करते हैं, जैसे मुझे भी करते हैं, लेकिन मुझे फिर वो चेक करना पड़ता है कि ये गॉड से आया, मेरे माइंड से आया या और कहीं से आया। आपको सब
हाँ आई मैं समझ सकता हूँ, ये एक लिमिटेशन है। आपने बोला अपनी जो एक ओरा होती है, ओरा और जब हम उसको रिलीज करते हैं, ओरा को ओरा मतलब जो जब हम रिलीज रिलैक्सेशन में आते हैं, रिलैक्सेशन मोड में आते हैं, तब हमारी ओरा भी क्लींजिंग होती है। जो नेगेटिविटीज होती है वो मतलब ओरा से दूर हो जाती है, तो वो एनर्जी एग्जैक्टली कहाँ पे जाती है? नेगेटिव जो भी एनर्जी होती है मतलब वो यूनिवर्स में कहाँ पे जाती है? जैसे मैंने रिलीज कर दिया अपने आप को, मेरी ओरा तो क्लींजिंग हो रही है, मेरे सॉल भी ऐसे प्योर हो रहा है, लेकिन वो जो एनर्जी मैंने रिलीज की है, आपका सोल कभी गंदा हुआ ही नहीं था, जो उसको प्योर होना है फर्स्ट थिंग। ठीक है, सोल कभी गंदा नहीं होता है। गंदा जो होता है, यूँ तो वो गंदा शब्द भी नहीं है, लेकिन फिर भी बातें करने के लिए हम मान लेते हैं कि कुछ गंदा होता है, यानी वो नकारात्मक होता है, नकारात्मक मन होता है। तो एक्चुअली ये ऊर्जा भी नकारात्मक नहीं होता है, माइंडसेट जिसको बोलते हैं वो नकारात्मक होता है, कि उसकी सोच के अंदर सीमितता है या उसके सोच के अंदर। बात यह है कि सोल कभी गंदा नहीं होता है, दूसरी बात यह है कि जो चीज़ गंदा होता है वो दरअसल हमारा माइंडसेट है। माइंडसेट का मतलब है कि हर चीज़ को देखने का नज़रिया है, और मेन प्रॉब्लम हमारा होता है दर्द, दुख, और अंग्रेजी में हम कहते हैं पेन, सफरिंग, मिजरी। तो दर्द, दुख, कष्ट, ये चीज़ें हमें मेन तकलीफ देता है, ये चीज़ें हमारे एहसास को क्रिएट करता है, एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। ऐसी हालत में जब हम रिलीज़ करते हैं तो गॉड एक्चुअली एनर्जी के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो हमारे घाव भरते हैं, और जब घाव भर जाता है उस वक्त हमारी सोच बदल जाती है, हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारे एहसास करने का जो हमारे जो एहसास है वो बदल जाते हैं। तो पहले जिस इंसान को देख के गुस्सा आता था, अब उस इंसान को देख के गुस्सा नहीं आता है। तो ये तो रहा रिलीजिंग का सवाल, अब सवाल ऑरा का है। ऑरा के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे टीयर्स होते हैं, टीयर्स मतलब फट जाता है, बहुत सारे रैप्स होते हैं, रैप्स मतलब कि ये कपड़ा है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये रैप हो गया, तो वो फटता है, रैपिंग होता है। फिर दूसरा होता है कि बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, कलर्स का मतलब होता है कि वो एनर्जी की जो कंडीशन है, एक हेल्दी इंसान का ऑरा एक तरह का दिखता है, एक इंसान जो जिसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ हैं उसका ऑरा दूसरे तरह से दिखता है। अब एनर्जी जो है वो दरअसल वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशन के ऊपर से उसका कलर परसेप्शन क्रिएट होता है। जब ऑरा रीडर ऑरा को देखता है वो दरअसल एनर्जी के वाइब्रेशन को देख रहा है। तो एनर्जी एक्चुअली कहीं जाता नहीं है, उसके वाइब्रेशन के अंदर फ़र्क आता है। ऐसा नहीं कि कुछ एनर्जीज है जो बहुत गंदा है और ये गंदा एनर्जी को हम ऐसा इकट्ठा करके ऐसा फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होता है। यही एनर्जी का जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये एनर्जी अभी सूदिंग होता है। पहले ये एनर्जी डिस्टर्बिंग था, अब सूदिंग है, तो ये हमें शांत करता है, ये हमारे अंदर के अस्थिरता को स्थिरता लाता है। तो ये है आपके सवाल का जवाब कि एनर्जी कहीं जाता नहीं है।
उसकी क्वालिटी बदलता रहता है। एनर्जी तो हमारे पास ही रहते हैं, ठीक है, और ये चीज़ फिर दिखता है कि इसका ऑरा अभी क्लीन है। और फिर जब एनर्जी रिफाइंड होता है तब पहले वो एकदम ऐसा टाइट था, अब वो ढीला होते होते फैलता है, तो हम कहते हैं इनका ऑरा बहुत बड़ा है। तो उस एनर्जी के अंदर जो बहुत शांत है, जो स्थिर है, जो सूदिंग है, फिर कोई आके जब बैठता है तो वो भी एहसास करता है कि वहाँ पे काफ़ी वो शांत फील करता है। फिर वापस जब अपने घर जाता है वही अशांति वापस उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपको देख के मेरे आँख से आंसू क्यों निकले? सॉरी, आपको मुझे देख के क्या हो रहा है? आंसू आ रहे हैं। ओके, हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलीजिंग। ये रिलीजिंग शब्द का मतलब ये है, पहले इस शब्द को समझ लेते हैं, ये रिलीजिंग क्या है। इस शब्द को समझने के लिए पहला जो चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि एक इंसान अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करता है। इमोशंस मतलब जो हमारे जो नकारात्मक इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस। पहले वो उसमें हम गुस्सा ले लेते हैं, तो गुस्सा आ जाता है किसी को तो वो किसी पे टूट पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिंग द इमोशंस। दूसरा होता है कि गुस्सा आता है तो एक्सप्रेस करना सेफ नहीं है, वो गुस्से को दबा देता है, इसको हम कहते हैं सप्रेशन। तीसरा होता है कि वो दबाया, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया, दबाया, लेकिन अंदर से वो इतना अस्थिर हो जाता है वो दबाने के कारण कि उसको अभी कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहिए, तो वो डिस्ट्रैक्शन के लिए वो या तो मोबाइल में चला जाता है, गेम्स खेलता है, शॉपिंग करता है, किताब पढ़ता है, म्यूज़िक सुनता है, डांस करता है। तो दीज आर ऑल वेज ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दैट जो दबाया गया है, उसके अस्थिरता से वो अलग होने की कोशिश करता है। ये है तीन तरह के वे ऑफ डीलिंग विद नेगेटिव इमोशंस। अब आता है चौथा, रिलीजिंग। रिलीजिंग का मतलब होता है कि कोई एक किसी की कृपा के द्वारा ये गुस्सा इस वक्त रिलीज हो रहा है। लेकिन जब रिलीज होता है तब क्या होता है? तब जनरली तीन चीज़ होते हैं। नंबर एक, आंसू निकलते हैं। नंबर दो, बर्पिंग होता है। बर्पिंग होता है, बर्पिंग मतलब डकार आना। नंबर तीन, योनिंग होता है। योनिंग का मतलब है ओके, उबासी आना। और एक और चीज़ जो कभी कभी होता है कि वो इंसान को नींद जैसा फीलिंग आ जाता है, तो वो करीबन ऐसे करके ऐसा होता है। तो ये मेनली तीन है। तो आपके अंदर इस माहौल में बैठने के कारण और परमात्मा की कृपा के कारण कुछ चीज़ें रिलीज हो रहे हैं, जिसके कारण आपके अंदर से ये टीयर्स निकल रहे हैं। तो ना तो ये टीयर्स कोई दुख का टीयर है, ना ही ये कोई खुशी के टीयर्स है, ये रिलीजिंग के टीयर्स है। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। लैंग्वेज फिलोसॉफी की भी ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन एक सवाल शायद सबका भी हो सकता है कि आपके दिमाग में स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। मैं फ्यूचर की बात नहीं करता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, बट मेरा सवाल ये है कि जो मन जो विचलित होता है, बहुत सारे विचार जो आते हैं, स्पेशली पिछले दो महीने से आई डोंट नो फॉर एनी रीज़न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसको कैसे मैं कंट्रोल कर पाऊँगी? हम कंट्रोल शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं रिलीजिंग को, कैसे उसको रिलीज़ कर पा सकता हूँ। और उसके लिए बहुत सीधा सा, जब आप किताब को कंप्लीट करेंगे, किताब के लास्ट चैप्टर के अंदर एक प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। कुछ प्रोटोकॉल अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए पूरा किताब को पढ़ना ज़रूरी है। तो प्रोटोकॉल ऐसा होता है, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। आपके पास इंग्लिश बुक है या हिंदी है? ठीक है, तो मैं इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी मुझे इस वक्त याद नहीं है, वो हिंदी बुक में दिया हुआ है,
लेकिन वो खाली ट्रांसलेशन नहीं है। तो इंग्लिश बुक में ऐसा है, वो कहता है पहला इशू और वो पहला लाइन, और दूसरा है लाइन है मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। तो इसको इस्तेमाल कैसे करने का, अब इशू क्या है, इशू का मतलब प्रॉब्लम क्या है या समस्या क्या है। समस्या ये है कि मेरा मन विचलित है, सो आई एम फीलिंग एजिटेटेड इन माई माइंड, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। उसके बाद आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। उसके बाद आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। आई एम रियली वरीड अबाउट फ्यूचर और समथिंग राइट नाउ, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। आई एम नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। वहाँ प्रॉब्लम जो भी है बता दीजिए। और ये सब मन के अंदर करने का, कोई सुनेगा नहीं। यहाँ मैं ऐसे वोकली बोल रहा हूँ, आप करेंगे मन के अंदर, ठीक है। तो आप पाएंगे कि ये सब करते करते आपका जो मन है वो मन शांत हो जाएगा, उसके अंदर इतनी सारी जो अस्थिरता है वो अस्थिरता नहीं रहेगा। तो ये है सल्यूशन। किताब जो दिया गया है, किताब को अपने आप में स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ना कोई धर्म के साथ उसका तालमेल है, ना कोई अध्यात्म के साथ उसका तालमेल है, ना कोई संप्रदाय के साथ उसका तालमेल है, ना आज तक इसके बारे में किसी ने बात किया है, ना कोई दर्शन या फिलॉसफी के साथ उसका तालमेल है। तो जब कोई भी चीज़ आज तक इंसान ने जो जाना है, समझा है, पढ़ा है, उसके साथ जब तालमेल नहीं बैठता है, तब प्रॉब्लम ये होता है कि इसको हम स्वीकार कैसे करें। मन के अंदर वो दुविधा आ जाता है, और जब ये दुविधा आ जाता है तब हम सिर्फ इतना ही कहते हैं स्वीकार मत करो, लेकिन अस्वीकार भी मत करो। स्वीकार इसलिए मत करो क्योंकि तुम इस चीज़ को परख नहीं पाओगे, और अस्वीकार इसलिए मत करो क्योंकि हो भी सकता है कि ये चीज़ें सही हो। तो हम कहते हैं कि मे बी इट इज़ ट्रू, मे बी इट इज़ नॉट ट्रू, एंड लेट इट लीव इट देयर। प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये है कि आप किताब के साथ बात कर सकते हो, किताब के प्रोटोकॉल को आप रिलीज़ कर सकते हो, और मंत्र अगर आपके पास है तो मंत्र को आप कर सकते हो, और आप पाओगे कि महीने के अंदर कुछ आपके ज़िंदगी में बदल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ें बदलेगा, कोई मिराकल होगा, लेकिन कहीं एक स्थिरता आएगा, कहीं एक शांत होना आएगा, कहीं एक समझ आएगा जो गहरा है, कहीं एक भावना जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और ये सब चीज़ें बदलाव आप आपके जीवन में पाएंगे। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किताब में जो लिखा है वो सही है या गलत है। हम तो कहते हैं वो एक कहानी है, पढ़ लो छोड़ दो, ओके। आप रिलीज करो ना फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ स्पीकिंग टू पीपल। अगर आप मुझे पब्लिक स्पीकिंग में खड़ा कर दिया तो मेरा तो हालत खराब हो जाए, मतलब पीपल हैव दैट फियर। आई एम जस्ट सेइंग आई हैड दैट फियर इन अ ह्यूज वे, बिग वे। तो मेरे को तो 5 आदमी के सामने खड़ा करके बोले बात करो, कुछ भी बोलो, तो पांव तो कांपने शुरू हो जाए, जीभ सूख जाए, मुंह सूख जाए। सो आई हैड टू रिलीज दैट फियर। तो मैं रिलीज करता रहा, एंड नाउ इट्स ओके टू टॉक। प्रोसेस यही है, ऑल द आपका फियर ऑफ व्हाट है, कोई एक बोलो आप। सो ऑल माई फियर ऑफ डार्कनेस, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। रात को अगर पानी पीने के लिए मैं उठा, अगर बेडरूम से मैंने ड्राइंग रूम तक आया, फिर से पानी निकाला, पानी पिया, द मोमेंट आई स्विच ऑफ द लाइट अंदर आ गया, आई लिटरली रन टुवर्ड्स माय बेडरूम। सो आई अंडरस्टैंड इट इज फियर ऑफ डार्कनेस,
फियर ऑफ नॉट फीलिंग सेफ इन डार्कनेस. अंडरस्टैंड. और एक्चुअली देख भी रहा है. मैंने आपके फियर को बढ़ा दिया है. लेकिन कुछ करते नहीं है वो लोग, खाली देखते हैं बस. काफी बार लगता है मुझे कि कोई देख रहा है. हाँ. I don't know. जो लग रहा है वो सही है. और कभी लगेगा नहीं कुछ कोई नहीं देख रहा, खाली अंधकार का डर है. सो बोथ आर करेक्ट, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है. और फिर कभी लगे कोई देख रहा है ना, उसके लिए भी एक फ्रेज है, एवरीथिंग अनक्लीन इन माई हाउस मे आई हैव योर ग्रेस गॉड. तो आप पाएंगे ये जितने भी देख रहे हैं ये सब चले जाते हैं. तो हर चीज का एक फ्रेज है. सो इनको आप करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी फर्क पड़ रहा है. क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, ठीक है, मुझे हर वक्त प्रैक्टिकल चीज़ों में ही इंटरेस्ट है. किताब के अंदर जो चीज़ें हैं हालांकि वो नॉन प्रैक्टिकल है, और मेरे अनुभव में वो सही है, इसलिए क्योंकि मैं जिन आयाम के साथ बात कर सकता हूँ, एहसास कर सकता हूँ, उसकी कोई सीमा नहीं है. तो इसीलिए वो मेरे लिए सही है, लेकिन आम इंसान के लिए वो सही नहीं है. ऐसे हालत में मैं उनको कहता हूँ वो छोड़ो, अंदर जो है इस्तेमाल करो. फ्रेंड्स और रिलेटिव्स देखो, दिवाली लक्ष्मी पूजन के दिन वो लक्ष्मी जी के और गणेश जी की वो कॉइन्स और सिल्वर ये देते हैं, हाँ, तो उनकी इच्छा से देते देते हैं. हमको उसको क्या करने का, रिटर्न गिफ्ट करके दे देने का, किसी और को दे. उनको किसी और को दो या उनको दो, उनको भी दे सकते हो. लेकिन अपने पास नहीं. अब क्या बोले, गॉड बोलते हैं मत रखो. सर, सो इट इज द कॉइंस ओनली यू डोंट कीप, बट यू डोंट कीप सिल्वर गोल्ड आल्सो? ना, वो सिल्वर का, वो लक्ष्मी जी के कॉइंस होते हैं ना, उसको ही मत रखो. बिकॉज़ इन वन ऑफ द, रखना है तो एक्सचेंज करके दूसरा सोना ले लो या सिल्वर ले लो. बिकॉज इन वन ऑफ द डिस्कशंस प्रीवियसली यू सेड दैट ट्राई एंड नॉट बाय मोर ज्वेलरी या जस्ट ट्राई एंड गिव दैट अप आल्सो, बिकॉज़ उससे भी अटैक्स होते हैं. गॉड तो बोलते हैं बेटर यू डोंट बाय, क्योंकि जो जो ज्वेलरी होता है ना, इस चीज़ को समझना जरूरी है, दैट दे बिलोंग टू, अभी मैं भूल गया हूँ वो कौन सा, इट बिलोंग्स टू ए लोअर वर्ल्ड एंड दैट लोअर वर्ल्ड इज ए डिमोनिक लोअर वर्ल्ड. आप पाओगे कि हाँ नहीं, एक लोअर वर्ल्ड में है अनुनाकी तो है ही, वो तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, लेकिन मैं नॉन फिजिकल के अंदर एक लोअर वर्ल्ड में भी है, जो दरअसल जहाँ पे सब कुबेर का धन वगैरह भी रहता है. दे आर ऑल रियल थिंग्स, ऐसा नहीं है कि ये माइथोलॉजिकल है. सो दे बिलोंग टू ए माइंड सेट जहाँ पे लस्ट और ग्रीड बहुत ज़्यादा होता है. तो गॉड बोलते हैं कि इन चीज़ों को, इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना लस्ट और ग्रीड तुम्हारे अंदर कम होगा, और लस्ट और ग्रीड तुम्हें वापस ले जाएगा इनटू दैट वांटिंग मोर एंड मोर एंड मोर. तो हर चीज़ का एक मॉर्फिक फील्ड होता है, जैसे सोने का भी एक मॉर्फिक फील्ड है, ऑर्नामेंट्स का एक मॉर्फिक फील्ड है, ज्वेलरी डायमंड्स का एक मॉर्फिक फील्ड होता है ना. इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्रोफेशन, फिर गॉड बोलते ठीक है करो, क्योंकि उससे ही तो घर का रोटी दाल रोटी चल रहा है. सो देन गॉड डजंट से कि बदल दो, बट इफ़ इट इज़ अ मैटर ऑफ योर प्रेफर शौक. लॉट ऑफ पीपल टेक इट एज अ सेविंग, वहाँ गॉड बोलते हैं डोंट डू ऑल दोज थिंग्स, सीधा लेके फिक्स डिपॉजिट करके रख दो. नॉट इवन म्यूचुअल, बिकॉज दे आर अगेन कनेक्टेड विथ अ मॉर्फिक फील्ड विच इज़ अराउंड गैम्बलिंग स्पेकुलेशन. ओके सर,
सो गॉड सेज कीप इट लेस फ्रॉम द मॉर्फिक फील्ड. बट तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने ये कहा मोक्ष और लिबरेशन या एनलाइटनमेंट अलग है. एनलाइटनमेंट 5 बॉडी का एक्टिवेशन है. अब महावीर स्वामी उसके भी आगे निकल गए. जब 5 शरीर का एक्टिवेशन हो, जब मोक्ष भी होता है उस वक्त वो विदेह क्षेत्र में जाते हैं, महाविदेह क्षेत्र. और इस महाविदेह क्षेत्र के अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम है. सो वी आर नॉट गोइंग इन टू, मैं सिर्फ जैनिज्म के अंदर ही बात कर रहा हूँ. और वहाँ पे वो तब तक रहते हैं जब तक उनका सिर्फ 5 बॉडी एक्टिवेट होता है. जैसे ही उनके 6ठा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है वो लोग उस क्षेत्र के भी बाहर चले जाते हैं. जैसे ही वो महाविदेह क्षेत्र के बाहर जाते हैं, नाउ दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन द ह्यूमंस. जब तक वो महाविदेह क्षेत्र के अंदर रहते हैं तब तक उनको इंटरेस्ट है ह्यूमंस में, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इनको मार्गदर्शन दे सकते हैं. ये तो हुआ महावीर का, क्योंकि वो बियॉन्ड है. दैट मीन्स उनके मंदिर, उसके मूर्ति के अंदर अब कुछ भी नहीं है, ये कोरा है. और अगर कुछ है तो वो एटलीस्ट महावीर तो नहीं है, कोई और आके बैठा है, क्योंकि कोई और भी आके बैठ सकता है. एंड नो डिस्क्रिमिनेट कि वो कौन है जो आके बैठा है और क्या खेल खेल रहा है, क्योंकि जो अंदर आके बैठता है वो भी खेल ही खेल रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली महावीर नहीं है, वो डेफिनेटली ऋषभदेव नहीं है. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. बट ये चीज उनके लिए स्वीकार करना पॉसिबल नहीं होगा. सर, आई गॉट माय क्लैरिटी. ओके, थैंक यू सो मच. ओके सर, माय क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग के रिकी वाज आस्किंग अबाउट दैट कॉइंस. जो कॉइंस आते हैं लक्ष्मी जी का, वी से के जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता तब तक उसमें यू डोंट गिव लाइफ टू दैट एनर्जी. तो सर, ये तो जिस स्टैंपिंग ही हुआ ना, गोल्ड कॉइंस आए, सिल्वर कॉइंस आए, उसको रखने ना रखने से कोई फायदा, मतलब स्टैंपिंग हो गया तो इट हैज एन एनर्जी विद रिलेटेड विद इट दैट. बेसिकली गोल्ड इटसेल्फ हैज इट्स ओन एनर्जी, नंबर वन, एंड दैट एनर्जी इज डिमोनिक. गोल्ड का सात्विक नहीं है, तामसिक भी नहीं है, उसके भी नीचे. हम तो सात्विक राजसिक तामसिक जानते हैं, उसके भी नीचे आसुरिक. एग्जैक्टली, इसीलिए गॉड बोलते हैं ये छोड़ो ये सब, अभी तुम्हारे पास पैसा है लेके फिक्स डिपॉजिट करके रख दो. क्यों आसुरिक एनर्जी को वापस अपने घर में ला रहे हो? ओके, तो सब एक ही है. गोल्ड, सिल्क, जो भी प्रेशियस मेटल्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, दे ऑल आर सेम. फिर लोग बोलते हैं हम क्रिस्टल, क्रिस्टल व जो क्रिस्टल हीलिंग वगैरह करते हैं हम उनको लाके घर में रखें, बिकॉज क्रिस्टल इज, क्रिस्टल को बोला जाता है कि आप, इट इज़ ए मैग्नीफायर. आप जो भी उसमें डालोगे वो मैग्नीफाई होके बाहर आएगा. लेकिन क्रिस्टल का एक और प्रॉब्लम है, कोई भी बाहर का डिमोनिक फोर्सेस या कुछ भी क्रिस्टल को ये लोग प्रोग्राम कर देते हैं, जिसके कारण वो प्रोग्राम अब आपके लाइफ को चलाता है और आपको पता भी नहीं होता है कि कोई बाहर से आके प्रोग्राम करके गया. वो नॉन फिजिकल होते हैं. तो जब तक आपको उसकी परख ना हो, उसकी समझ ना हो और उसकी कैपेसिटी ना हो कि आप सही में उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, बेटर है मत छुओ. इसीलिए वो कुछ लोग काफ़ी बोलते हैं कि हम क्रिस्टल को सॉल्ट वाटर से साफ करते हैं, मूनलाइट में ले जाते हैं, सनलाइट में ले जाते हैं और भी कुछ करते रहते हैं. So yeah, it is, they are cleaning, basically it is cleansing, now you reprogram it. First is cleansing. So we should not do this. I mean, agar aapki capacity hai, to karo aap. But God bolte hai, na karo to achha hai. Kyunki aap nahi jante ho ki
ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड के अंदर जो इंसान के साथ खेलते हैं, उनके मन के साथ खेलते हैं, और ये सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल्स जैसे. सो इट्स बेस्ट नॉट टू ब्रिंग देम इनटू हाउस. उसी तरह जो एंटिक्स होते हैं, एंटिक्स आर ऑल्सो वेरी डेंजरस. ये कौन कौन से घर से आया है, वहाँ पे मर्डर हुआ, वहाँ पे सुइसाइड हुआ, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए, कुछ मालूम नहीं उसका हिस्ट्री का, और वो सब चीज़ उसको लेके घर में ले आते हैं. बट एंटिक्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हाईली प्राइज्ड कि इतना साल पुराना ये चीज़ है, लेकिन इतने साल के अंदर उसने क्या इकट्ठा किया है मालूम है तुम्हें? सो एंटिक्स आर ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग्स टू ब्रिंग इन टू द हाउस. सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो गॉड बोलते हैं जस्ट बी सिंपल, शांति से रहो ना, मिनिमल लाइफ में जियो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर इधर उधर मत मारो. वो नहीं, वो अलग चीज़ है. हाँ, क्रिस्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, कर सकते हैं. इवन द डीमंस कैन डू दैट, दे कैन रीप्रोग्राम द क्रिस्टल्स. उसमें फिर आपका प्रोग्राम भी पड़ा रहेगा, उसका उनका प्रोग्राम भी पड़ा रहेगा, दोनों आपको अफेक्ट करेंगे. कोई बोलेगा नहीं मैंने तो मेरे हिसाब से इसको प्रोग्राम किया है, लेकिन कोई और आके उनका प्रोग्राम भी डाल के चला जाएगा. सो बहुत फाइन चीज़ें हैं ये, जब तक अनलेस यू रियली नो हाउ टू यूज़ देम, यू हैव अ मास्टरी ऑफ यू नोइंग, परसीविंग, डिस्क्रिमिनेटिंग, तब तक इन चीज़ों में गिनना नहीं चाहिए. और मैंने ये भी देखा है जो लोग जानते हैं वो लोग भी कभी कभी ऐसे चीज़ों आके उनको डिसीव कर देते हैं कि वो लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं. डैमेज होने के बाद पता चलता अरे कैसे हुआ ये, फिर वो लोग पूरा एनालाइज करते हैं, फिर उनको पता लगता है कि ये आके ये क्रिस्टल के थ्रू मेरे को ये करके गया, बट तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका है. आप क्या लाते हो और बोलो, मैं ये यस नो बोलता हूँ. विंचेंस तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. विंचेंस से क्या क्या होता, कोई नेगेटिविटी आता है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं नहीं हाँ, सिंगिंग बाउल से नेगेटिविटी नहीं आता है. दोज आर क्रिएटिंग डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अगर हम अपने शरीर के फ्रीक्वेंसी को बदल सकें तो वी कैन देन बिकम हेल्दियर. बट हाउ डू वी चेंज द फ्रीक्वेंसी, तो बाहर कौन सा फ्रीक्वेंसी है विच इज़ मच बेटर देन आवर सिक बॉडी फ्रीक्वेंसी, उसमें आपका विंड चेंज भी आ जाता है, उसके अंदर आपका कौन सा बाउल बोला, सिंगिंग बाउल भी आ जाता है, उसके अंदर आपके जो और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे शास्त्रीय गीत होते हैं, इवन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर देयर, बट यू डू नॉट नो कि आपको कौन से फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है और वो फ्रीक्वेंसी किधर है. ये दो सवाल का जवाब आपके पास नहीं है. हाउ विल यू डिसाइड, मैं विंड चाइम लाऊं, सिंगिंग बाउल लाऊं, या और कोई एक होता है वो टोंग वाला होता है, ठीक है, वो टोंग में फिर अलग अलग साइजेस होते हैं कि तो अब आप कौन सा टोंग यूज़ करोगे विच इज़ गुड फॉर यू. तो ये सब फिर आपको बैठे बैठे खेलने वाली, वो लोग बोलते हैं रिसर्च, बट फॉर मी इट इज़ लाइक दे आर डूइंग टाइम पास, क्योंकि वॉट एवर रिसर्च दे डू वो उनको अल्टीमेटली मिल गया. फॉर मी विंड चाइम इज़ बेस्ट और टोंग इज़ बेस्ट और सिंगल सिंगिंग बॉल इज़ बेस्ट,
दैट इज़ द कंक्लूजन दे केम. अब दूसरा उस किताब को पढ़ के वो कैसे आएगा, हाउ विल ही डू हिज ओन रिसर्च, उसको वो कैपेसिटी होना चाहिए ये सब चीज़ें करने की, फिर वो जाके बाजार में से कुछ भी लेके आता है. जैसे फेंग शुई के चीज़ें हैं, वो लाफिंग बुद्धा भी लेके आता है और जो भी और सब, हाँ वो सब चीज़ें ले आते हैं, एंड दे आर होपिंग इट विल वर्क. जरूरी नहीं है दैट इट विल वर्क, वेरी डिफिकल्ट टू नो, यू हैव टू चेक व्हाट यू हैव ब्रॉट इन. वो लाफिंग बुद्धा के अंदर सही में कुछ है या काली मिट्टी का एक पीस पड़ा है. नो नो दैट इज गुड, गॉड उसमें मना नहीं करते, गॉड बोलते दिया जलाओ, दिया भी जलाओ और वो LED बल्ब भी जलाओ, बहुत आर ओके. सो गॉड कंसिडर्स दैट अंडर डेकोरेशन. अगरबत्ती में वो ना बोलते हो कि अननेसेसरीली स्मोक लेने की जरूरत क्या है, धुआं लेने की जरूरत क्या, दिया तो ठीक है अच्छा है दिखता है, मे बी इट हैज सम गुड वाइब्रेशंस आल्सो. गोल्ड हैज डिमोनिक एनर्जीज कनेक्टेड विथ इट, आसुरिक, एंड इट क्रिएट्स सेल. इसीलिए आप देखोगे गोल्ड के ऊपर इतने फाइट हुए हैं, गोल्ड के ऊपर इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं, मर्डर हुए हैं, सिर्फ एक मुट्ठी गोल्ड यहाँ से लेके यहाँ ले जाने के लिए. और जो ले जाता वो भी करता क्या है, लेके अलमारी में ही बंद करके रखता है ना, यूटिलिटी वैल्यू तो ज़ीरो है. खाली उसको लगता है मेरे पास अभी 1 किलो सोना है, दैट्स ऑल. और वो लेके आता और किसी और को पता लगता है, वो फिर अभी बैठा है कब मैं उसके वहाँ से उठा के लाऊँगा. सो यही चीज़ें चल रहा है गोल्ड के ऊपर, और ये सब सब नकारात्मक चीज़ें उसके अंदर जा रहा है. हमें बहुत सारे चीज़ें, मैं उस चीज़ में गॉड मुझे नहीं देते हैं क्लैरिटी, है थोड़ा बहुत खाली बोल देते हैं छोड़ो ये सब. बोले तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है ना, फिक्स डिपॉजिट करके रख दो. लेकिन प्रॉब्लम ये आता, गॉड को बोलता हूँ आधे तो ब्लैक मनी है, उसका हम क्या करेंगे. प्रैक्टिकल क्वेश्चन. फिर डालो आसुरिक चीज़ों में, लोग ज़मीन खरीदते हैं. अब ये इट्स सच ए फुलिश थिंग, ऐसे ही जाके ज़मीन खरीद लिया. अरे जैसे ही आप वो ज़मीन के मालिक हो गए, उस ज़मीन में जो भी चीज हुआ है 1000 सालों तक, वो हर चीज़ को आप घर में लेके आए. अब कितने लोग मैंने देखे हैं इतने मेरे 20 साल के अंदर, जो लोग ज़मीन खरीदने के बाद उनके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, उनकी बहुत सारी तकलीफ़ आने लगी, उनके शरीर में तकलीफ आने लगा. ऐसे ही कोई ज़मीन नहीं लाते हैं. अनलेस गॉड सेज डोंट बाय, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गॉड इज सेइंग नो, बिकॉज दे आर वेरी, बहुत सारे नकारात्मक चीज़ वहाँ पड़े रहते हैं. सवाल ये उठता है किस हद तक आप कर रहे हो, आपका नेगेटिविटी कितना गया. ये बात सही है कि जमीन खरीदते जब हैं तब वास्तुशास्त्री को बुलाते हैं, वहाँ पे हवन भी करते हैं, वो ज़मीन में कुछ गाड़ के भी डालता है, पिरामिड हो, प्रेशियस चीज़ें हो, वो सब महंगी चीज़ें डालता भी है. लेकिन क्या आपको, क्या रियली उसने ज़मीन को क्लीन किया, यू हैव टू नो हाउ टू फाइंड आउट. मैनी थिंग्स आर अननोन, उसी लिए गॉड का एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, या तो पड़ा रहने दो, कैश है तो घर में रखो, लॉकर में रखो, और एक्चुअल एक नंबर का है तो लेके फिक्स डिपॉजिट कर दो. ज़्यादा झमेला क्रिएट मत करो, वैसे ही स्टोरी लाइन के बहुत झमेले हैं. तो किसी को बॉडी का तकलीफ है, कहीं रिश्ते का तकलीफ है, कहीं पे पुलिस केस चल रहा है, कहीं पे और कुछ चल रहा है,
इतने सारे तो तकलीफ है, फिर बाद में बेटे बड़े होते हैं तो उसके तकलीफ आ जाते हैं, शादी कराया तो वहाँ एक और तकलीफ आ गया, जो घर में आए वो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, फिर अलग घर लेके सेपरेट रहने लगे, आई मीन देयर आर मेस्ड अप लाइफ। ये जो रीडिंग करते हैं सब रैंकिंग लेवल 1 2 3 मास्टर लेवल, तो वो सबके पास देते हैं तो लेना चाहिए सबके पास? इतना कुछ तो मैं बोल दिया अभी आप परमात्मा बोलते हैं मत लो, लेकिन आप बोलते हो कि मैं रेकी का 1 2 3 सीख के दूसरों को रेकी सिखाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, दूसरा का हीलिंग करूंगा, पैसे कमाऊंगा, मेरा अपना नाम हो जाएगा कि मैं रेकी मास्टर हूं, ग्रैंड मास्टर हूं, ये सब आपके अंदर अगर इच्छा है तो फिर ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों में ही जाओगे। खुद के लिए गॉड बोलते हैं मत करो, जो गॉड देते हैं वो आपका जो भी तकलीफ है गॉड को दे दो, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड करके देख लो। परमात्मा से मैंने बहुत हीलिंग मोडालिटीज सीखे हैं, बहुत, और आज तक मैंने परमात्मा के जरिए जो हीलिंग होता है लोगों का कोई मोडालिटी के अंदर नहीं होता है। महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता, सब मोडालिटी के परे है परमात्मा का, एक ही प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते कि उनकी कृपा किस हद तक हम तक पहुंचेगी, क्योंकि वो स्टोरी लाइन को देखते हुए कृपा देते हैं, वो इतनी कृपा भी नहीं देंगे कि आपका स्टोरी लाइन बदल जाएगा, ये ही एक तकलीफ है। तो किसी को लगता है बहुत कृपा मिल गया, किसी को लगता है नहीं इतना कुछ खास मिला नहीं है, फिर परमात्मा उसके आगे नहीं जाएंगे, फिर उसके आगे अपने समझ से जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो पकड़ के रखते हैं वो पाते हैं, कहीं जिंदगी में कुछ बदला जो पहले नहीं था। और ये कुछ को लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है कि ये क्या है, क्योंकि लोग तो बोलते हैं तुम्हारा बिजनेस बड़ा है, नहीं बड़ा है, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा बीमारी था जो एकदम से ठीक हो गया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा डिवोर्स हो रहा था अभी डिवोर्स होना बंद हो गया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और कई बार ये सब चीज़ें भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते हैं। फिर बोलते फिर हुआ क्या, बोले पता नहीं कुछ तो हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी गुड, जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। सो जिस तरह आप उसकी कदर कर पाते हो, इस चीज़ को कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है दूसरों को कि मुझे ये मिला। सो ये एक होता है, फिर हर किसी को यही बोलना पड़ता है, तुम भी आके चख लो ना, मेरे को क्या मिला उससे तुम्हें क्या लेना देना, और मुझे जो मिला वो तुम्हें तो नहीं मिलने वाला, वो तो पक्का है, तुम देख लो तुम्हें क्या मिलता है, क्योंकि मैं आज तुम्हें बताऊं कि मुझे 1 2 3 4 5 मिले, तुम आए और तुम्हें पांचों में से एक भी नहीं मिलने वाला है, तो फिर तुम बोलोगे कि कहाँ तुमने मुझे ले गए, हमें तो कुछ मिला नहीं। सबकी अनुभूति अलग। एग्जैक्टली, तुम्हें तुम्हारा देखने का, तुम्हें क्या मिला, इसीलिए गॉड बोलते हैं कि अपने चीज़ों को बता के लोगों को परमात्मा की तरफ लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं हर एक को अलग अलग देता हूं। और तुम्हारे चीज़ें जो तुम्हें मिले वो उनको बताओगे तो उनको वही चाहिए, और वो मैं उन्हें ना दूँ, और फिर जो दूँ वो उनके लिए उनकी कोई कदर नहीं होगी। योग्यता के अनुसार वो योग्यता हो या उनकी स्टोरी लाइन की कमी हो या उनके कर्म के बोझा हो या कोई भी कारण हो, उसके अंदर हम उतना नहीं जाते, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम क्यों परमात्मा किसी को जल्दी देते हैं, किसी को देर से देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, ऐसा क्यों होता है हमें भी नहीं मालूम। तो कम से कम उस चीज़ के सहारे तो हम किसी को परमात्मा के पास नहीं लाते हैं। इसीलिए आप पाओगे कि मेरे किताब के अंदर मैंने एक भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा कि इस इंसान को परमात्मा के पास आके
ये चीज़ मिला। हालांकि दूसरे जगह इन चीज़ों को काफ़ी एडवर्टाइज हाईलाइट किया जाता है। सो उन चीज़ों को मत बताओ कि ये मिलेगा या ये नहीं मिलेगा, लेट देम फाइंड आउट। अब दूसरा रहा है गॉड्स वर्क। गॉड्स वर्क में देखो, अब तुम मेरे पास आए थे, ठीक है, हर बार तो तुम आओगे नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर गुस्सा भी आएगा, सैडनेस भी आएगा और जो भी अदर चीज़ें आएंगे। अब ये किताब तो उस वक्त तुम्हें हेल्प करेंगे। सो लेकिन किताब को आप दो तरह से इस्तेमाल करो, या तो आप इससे बात करो या पढ़ो, पढ़ के एंड में प्रोटोकॉल यूज़ करो। हाँ, प्रोटोकॉल कैसे यूज़ करना है, अगर आप मेरे पास आओ आई विल टेल यू, गाइड यू हाउ टू यूज़ इट। सो लेकिन जैसे ही दोनों को क्लब किया ना, फिर नाउ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ओके, हाउ फार इट इज, मतलब जैसे हमने तो खाली महाभारत और रामायण टेलीविजन में देखा है, नहीं उस हिसाब से ये नहीं हुआ है, बट काफी चीजें हुए हैं एंड वो कैरेक्टर्स भी हैं। एग्जैक्टली बी आर चोपड़ा का महाभारत हुआ कि नहीं, दैट आई एम नॉट टॉकिंग, या रामानंद सागर का रामायण हुआ कि नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि हमारे लिए तो वही है रामायण और महाभारत। हम कहाँ तुलसीदास को और दूसरा जिसने भी लिखा हो वो सब कहाँ पढ़ने गए थे, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली ऐसे नहीं हुए, बट दिस कैरेक्टर्स या दे एग्जिस्ट, सम सच थिंग हैपेंड, दैट ऑल्सो इज ट्रू, बट वेदर इट वॉज सच ए मैग्निफिशेंट स्टोरी वो क्वेश्चन मार्क है। वेदर इट हैपेंड 5000 ईयर्स एगो और 7000 ईयर्स एगो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके रेलिक्स के साथ आज जो हमें रेलिक्स मिलते हैं थ्रू एक्सकावेशंस कनेक्टिंग विद दैट विद द स्टोरी वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब चीज़ें आई एग्री, हाँ दे आर क्वेश्चन मार्क्स, बट जस्ट टू से कि नहीं रामायण नहीं हुआ है, महाभारत नहीं हुआ है, ऐसे कोई कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये सब एक इमेजिनेशन है, इतना भी हद तक जाना भी शायद सही नहीं होगा। सो लेट अस बी इन ए प्लेस हुआ होगा, ओके, मे बी मे नॉट बी, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक ग्रह ही है, ठीक है, पृथ्वी का देवी या देवता कौन है मालूम है? नहीं, दुर्गा नहीं है, उसका नाम है गाया, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर जो भी हो रहा है ये गाया के मर्जी से उनकी देखरेख में ये सब हो रहा है। इसी तरह हर एक ग्रह का भी एक या तो देवी है एक देवता, जैसे सूर्य का देवता है, ठीक है। तो ग्रह हमें जब हमारी कहानी लिखी जाती है उस वक्त ये ग्रह के जो देवी और देवता है वो भी वहाँ मौजूद होते हैं जब स्टोरी लाइन लिखा जाता है, क्योंकि उनका काम ये भी होता है कि वो हमारे मन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मन को इन्फ्लुएंस का हिंदी वर्ड क्या होगा? प्रभाव, हाँ, वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव अपना डाल सकते हैं। और हर देवी देवता का एक क्वालिटी है, एक तासीर है, उस हिसाब से वो प्रभाव भी डालता है हमारे स्टोरी लाइन में। स्टोरी लाइन तो जब बन रहा तब वो लोग आते हैं, देख लेते हैं किसका कैसा स्टोरी लाइन है, उस हिसाब से वो अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसको एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं तुम्हारी दशा है। दशा मतलब अब ये ग्रह तुम्हारे ऊपर ये प्रभाव डालेगा जिसके कारण तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी। तो बेसिकली एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अगर आप देवी को निकाल दो तो एक पत्थर का टुकड़ा हो गया, तो वो पत्थर का टुकड़ा नहीं है जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, वो उसका जो देवी है या देवता है वो आप पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये
उसका इफेक्ट होता है। डिफिकल्ट है रिलीज करना, इसलिए डिफिकल्ट है कि फिर आप स्टोरी लाइन बदल रहे हो और गॉड स्टोरी लाइन बदलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन ऑफर करके देख सकते हो कि आगे गॉड की मर्जी। ठीक है हाँ, वो कहते हैं कि अगर ये देवी देवताओं को तुम खुश कर सकते हो तो फिर तुम्हारा वो प्रभाव कम होगा या नहीं होगा, लेकिन किस हद तक आपके पास वो इंसान होना चाहिए जो उस देवी देवता तक डायरेक्ट जा सकता है। बुकिश नॉलेज से ये नहीं होता है। शास्त्र में लिखा है कि ये नंग पहनने से तुम्हारे देवी देवता का प्रभाव तुम कम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। शनि का प्रभाव आपके ऊपर जब पड़ेगा और मेरे ऊपर जब पड़ेगा, वही नंग वही पत्थर उसको काट नहीं पाएगा। वहाँ एक जीवंत इंसान चाहिए, जो इस वक्त सब इंसान मरे हुए हैं। मरे हुए कैसे हैं? पढ़ लिया, अच्छा वो बुध के लिए वो वाला पत्थर ले लो, इस तरह से मरे हुए हैं। जीवंत मतलब उसने कुछ पढ़ा नहीं है। वो देवी को पूछता है, क्या कोई पत्थर है जो तुम्हें खुश कर सकता है? फिर देवी अगर बोले कि ये वाला पहनो, और वो अगर आपने पहन लिया तो फिर आपका वो प्रभाव में से आपको कुछ हद तक राहत मिल सकता है। तो हर चीज़ अलाइवनेस चाहिए। आज एवरीथिंग टुडे इज डेड, दे आर डेड इन द स्क्रिप्चर्स, कॉपी पेस्ट हो रहा है खाली। कॉपी पेस्ट से कोई देवी देवता को खुश नहीं कर सकते। ये समझे आप? आपको वो इंसान चाहिए जो देवी से बात कर सके, देवता से बात कर सके, उनकी रजामंदी होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। ऐसा नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजी का किताब पढ़ लिया और उसके अंदर दिया है, या आजकल लाल किताब बहुत चल रहा है, या और कोई किताब चल रहा है, टैरो कार्ड चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लोगों को थोड़े थोड़े समय के लिए मिसगाइड करना या इम्प्रेस करके दो पैसे कमाना, वहाँ तक ठीक है, आई हैव नो इश्यू इन दैट, बट ट्रूली दे कैन नॉट ब्रिंग सॉल्यूशंस टू लाइफ। पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारे पितरों यानी हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं होते हैं ज़्यादातर। क्यों खुश नहीं होते हैं? इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि हम लोग उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये लोग एक ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं। पहली बात तो ये, कौन से पितरों आपको ज़्यादा तकलीफ देता है ये पहला समझ लीजिए। कोई भी इंसान मर जाए तो वो पितरों का दोष नहीं क्रिएट करता है। जो लोग ना इधर के हैं और ना उधर के हैं, उसका क्या मतलब हुआ कि उनको पितृलोक में जाना था लेकिन वो जा नहीं पाए, कोई कारण से बीच में अटक गए। जब बीच में अटक गए, बीच में क्यों अटके? या तो उनकी कोई आसक्ति था, उनका कोई द्वेष था, वो किसी, जैसे वो पोते के लिए या फैमिली के लिए अटक गए, या घर के लिए अटक गए, बिजनेस के लिए अटक गए, ज़मीन के लिए अटक गए, ऐसे अटक जाते हैं। और कहते हैं 80% अटक ही जाते हैं। आप जितने भी श्राद्ध कर लो और जो भी कर लो, तर्पण कर लो, गया में जाओ, कुछ भी करो, वो अटक गए तो अटक गए। उनकी मुक्ति कैसे होगी? उनकी मुक्ति तो तब होगी जब वो अपनी इच्छाओं के ऊपर आएंगे, वो अपनी इच्छा में बंध गए। अब क्योंकि वो अपनी इच्छा में बंध गए, अब उनको कोई मनुष्य योनि चाहिए, मनुष्य का शरीर चाहिए। किसी को खाने में मज़ा आता है तो वो हमारे शरीर में आके खाता है, किसी को पीने में मज़ा आता है हमारे शरीर में आके पीता है, किसी को स्मोकिंग में मज़ा आता है हमारे शरीर में आके स्मोक करता है, किसी को बिजनेस करने में मज़ा आता है हमारे शरीर में आके बिजनेस करता है। अब मानो ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
ये सब उनके ऊपर, वो बिजनेस नहीं कर रहे, कोई उनके अंदर आके बिजनेस कर रहा है। किसी को गैम्बलिंग में बड़ा मजा आता है, वो किसी के शरीर में आके उसको गैम्बलर बना देता है। तो इस तरह से पितरु हमें परेशान करते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई हमें छोड़ो, ये रहा थोड़ा खाना खाओ और थोड़े दिन के लिए हमें परेशान मत करो। लेकिन इन लोगों को बार बार तुष्ट करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। लेकिन अब मजे की बात यह है, अगर परमात्मा के पास आप हो, ये जितने भी पितर हमारे को तकलीफ दे रहे हैं वो आपका इशू हो गया, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, आपकी कृपा, जो भी हिंदी में है, ठीक है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। के अंदर आ रहा है, कोई भी इंसान ज़्यादा खाना उसको चाहिए नहीं, इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब खाता है तब पितरु आके खाते हैं। इसको एक्चुअली येस नो बोलना मुश्किल है, क्योंकि स्टोरी लाइन नहीं पता चलता है ना। स्टोरी लाइन पता चले तो मैं फिर देखूँ शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, तो इसीलिए हम करके छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली जब इंसान का जन्म होता है, जन्म होने के पहले मान लीजिए कि मैं इस जन्म में मर गया, ठीक है, अब मेरा फिर से एक जन्म होगा, तो अगला जन्म, मेरे मृत्यु और अगले जन्म के बीच का खेल क्या है? खेल ये है कि मेरा जो दूसरा ऊर्जा शरीर है, ये मेरे कर्म के जो बैगेज है इसको लेके जाता है। प्रणव, बहुत सारे आत्मा इकट्ठा होके अगले जन्म का कहानी लिखते हैं कि ये इंसान इस घर में जन्म लेगा, ये इनके माता पिता होंगे, ये इनका प्रोफेशन होगा, इस सिटी में जन्म होगा, इतने सारे सिटीज़ वो घूमेगा, इतने सारे देश वो घूमेगा, ये सब उसके प्रोफेशन होंगे यानी कर्म कांड के होंगे, ये सब इनके दोस्त होंगे, ये इनके दुश्मन होंगे, इनकी प्रकृति इस तरह का होगा, तो सब कुछ उस कहानी में लिख देते हैं। और उसके अंदर वो ग्रुप सोल्स भी रहते हैं, उसके अंदर ये सब देवी देवता भी आ जाते हैं, उसके अंदर और भी सारे चीज़ें आ जाते हैं और फिर लॉन्च कर देते हैं। तो ये है स्टोरी लाइन, आपका जीवन यात्रा शुरू हो गया। स्टोरी लाइन पहले से डिसाइडेड है, ये पहले से डिसाइडेड है, वही होना है। फिर लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा मान लिया आपका तर्क, क्योंकि ये तो एक तर्क हुआ, ठीक है, प्रूफ तो है नहीं कहीं, तो बोलते चलो मान लिया आपका तर्क, कल से मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, बिस्तर में बैठे रहूँगा, क्योंकि मेरा स्टोरी लाइन में इतना पैसा तो है ही, कोई ना कोई आके देके जाएगा बैग भर के, मैं काम पे क्यों जाऊँ। तो वहाँ पे ये आता है कि तुम अगर पूरी तरह प्रयास नहीं करोगे तो जो स्टोरी लाइन में लिखा है वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन प्रयास करके स्टोरी लाइन से ज़्यादा तुम नहीं कमा पाओगे, और लॉटरी लग भी गया, कोई ना कोई आके वो पैसा उठा के ले जाएगा तुम्हारा, गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, चोरी डकैती हो जाएगा, आप गलत इंसान को लोन दे दोगे जो वापस नहीं करेगा, इस तरह से। तो वापस आप स्टोरी लाइन में आ जाओ। हाँ आइए, ऐसा होता है, वहाँ लिखा है कि इनके साथ आपका द्वेष रहेगा। हाँ, लेकिन आप उसको जब देखते हैं, ठीक है द्वेष आ गया,
लेकिन बाद में अपना रिलीज कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन वो स्टोरी लाइन में लिखा है कि किसी को आपको बहुत अच्छा लगेगा और किसी को आपको बहुत नेगेटिविटी आ जाएगा, नेगेटिविटी को रिलीज कर, वो सब रिलीज कर दीजिए और ज़्यादा मत सोचिए कि क्यों आता है, ठीक है। फिर आप अपने आप को फिर गलत कर देंगे, खुद को ही आप क्रिटिसाइज करेंगे, ज़रूरत नहीं है। जब पता चला क्या हुआ है रिलीज कर दीजिए। मैंने ऐसा बोला कि जब हम कहते हैं कि स्टोरी लाइन ही आपका विधाता है, उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा, तो वहाँ पे फिर कोई कह सकता है तर्क की दृष्टि से कि कल से हम घर में बैठे रहेंगे, हम नौकरी में नहीं जाएंगे या बिजनेस में नहीं जाएंगे, देखते हैं हमारा जो इनकम हो रहा था उतना पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपका प्रयास पूरा नहीं है तो फिर स्टोरी लाइन से आपको जितना मिलने का तय था वो भी फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि स्टोरी लाइन ये भी कहता है कि तुम पूरा कोशिश करो, फल कितना होगा वो मैं तय करूँगा, मैं यानी स्टोरी लाइन। लेकिन तुम कहते हो हम कोशिश ही नहीं करेंगे, स्टोरी लाइन में कहता है कोई बात नहीं तो ज़ीरो, ओके। काम तो पूरा कंडीशन अप्लाई, काम करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, उसमें रुकना नहीं है, उसमें रुकना नहीं है। सर ये अपना कई लोगों को सरप्राइज फीलिंग होती है, वो मतलब कहीं पे भी वो ऐसा बोल रहे कि हम इग्नोर कर, तीन वे आपने बताए कि एक तो आप चिल्ला दो, गुस्सा आता है चिल्ला दो, दूसरा आप दबा दो और तीसरा आके डाइवर्ट कर दो। अगर वो करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी पे आता है ना, के अनुसार आ सकता है। फिजिकल बॉडी में डिजीज के हिसाब से आता है, मनी लॉस के हिसाब से आता है, पैसे का नुकसान होता है, नंबर तीन एक्सीडेंट के हिसाब से आता है, नंबर चार रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट के अंदर से आता है। तो अलग अलग जगह से वो निकलता है उसका इफेक्ट, ओके। या सर आपने ये बोला ना कि अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आउटकम जीरो। रमेश बलसेकर जी है जो एक टीचर है बॉम्बे में थे, उन्होंने कहा कि अगर आप प्रयास नहीं करना चाहोगे ना तो भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आपको बिस्तर से उठाएगा और आप प्रयास करोगे, विच इज ट्रू। बट हम लोग एक थ्योरिटिकल सिचुएशन लेते हैं कि हम निकलेंगे ही नहीं और देखते हैं कैसे पैसा आता है। उन्होंने भी जो कहा वो भी परफेक्टली ट्रू है। आप कितने देर तक बिजनेस में बैठे, बिस्तर के ऊपर बैठे रहोगे, कितने देर दरवाज़ा बंद करके बैठे रहोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, वापस जाओगे। सो दैट इज़ ट्रू, बट एक्चुअली ये हमारा तय था कि यही काम मुझे करना है। 7 जन्म तक मेरा ट्रेनिंग हुआ ये काम के लिए, ये 7वां जन्म है मेरा और आखिरी जन्म है, क्योंकि काम पूरा हो गया है, अब जाना है। और तो क्या बोले, वो इसलिए लगा है क्योंकि मेरा जो नेचर है ना, वो मैं साइंस बेस्ड आदमी हूँ और साइंस वाला जो होता है वो इतना लॉजिकल होता है कि दूसरों का दिमाग ख़राब कर देता है, ठीक है, अपना भी करता है दूसरों का भी करता है। तो क्योंकि मैं इतना लॉजिकल था, ना मेरे अंदर कोई भक्ति था, ना मेरे अंदर समर्पण था, ये सब कारण से मुझे यही था, मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। अब वो प्रूफ मांगते मांगते मुझे प्रूफ तो इतने मिले, तब जाके मैंने बोला हाँ ठीक है अब मैं मान लेता हूँ। लेकिन हर प्रूफ जो मुझे मिले वो इस आयाम में नहीं मिले, वो सब दूसरे आयाम में मिले, डायमेंशन, ठीक है, ये थर्ड डायमेंशन है। जितने घोस्ट वगैरह होते हैं, जितने भूत प्रेत होते हैं,
वो फोर्थ डायमेंशन में होते हैं, वो समय के अंदर बंधे नहीं होते हैं। और जितने एनलाइटेंड वगैरह होते हैं, जैसे ये अभी जैनिज्म में महाविदेह क्षेत्र की बात किया, वो फिफ्थ डायमेंशन में है। तो मेरे सब प्रूफ तो वहाँ के हैं, फोर्थ फिफ्थ एंड अबव। अब वो मैं लोगों के पास ला नहीं पाऊँगा, तो मैं बोलता हाँ छोड़ो ना, मैंने भी तो शक की नज़र से देखा था, तुम देख रहे हो तो गलत क्या है। सो गॉड को एक्सेप्ट करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये काम के लिए ही आपका बर्थ हुआ है? हाँ, उन्होंने मुझे बताया, दिखाया, याद दिलाया, और बहुत सारी घटनाएं हुई, तो जिसके कारण मैं आखिर में मैंने बोला कि हाँ अब मैं समझ गया। ना ना ना, मेरा कोई बॉडी एक्टिवेटेड नहीं है। फिफ्थ डायमेंशन मींस एनलाइटनमेंट। नहीं नहीं, मैं एनलाइटेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं उन परमात्मा की कृपा से मैं उन आयाम के चीज़ों को बात कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं तीर्थंकर नहीं हूँ, राइट? वो सब सही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लिखी जाती है, और अगर कोई इंसान के पास देवी कृपा हो तो फिर उस देवी कृपा के कारण वो उन चीज़ों तक पहुंच सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ने के बाद उसके हिसाब से मार्गदर्शन दे सकता है। सो बेसिकली आप इनमें पास्ट लाइफ्स में जाते हो, ठीक है, और जिनके पास वो कैपेसिटी है वो ये कर सकते हैं। लेकिन ये कृपा है, और कृपा तो नहीं बोलूँगा, एक ब्लेसिंग्स है, और एक स्टोरी लाइन के अंदर भी है, स्टोरी लाइन के अंदर है कि ये तुम कर पाओगे। सब लोग नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ लोग करते हैं। उनके स्टोरी लाइन में ये है कि आप ये कर पाओगे, और उस वक्त देवी आके मदद करते हैं, उनकी कई शक्तियों को खोलते हैं, उनकी कई काबिलियत को खोलते हैं, और फिर वो कर पाते हैं। ये जो 5D हीलिंग है, एंजल थेरेपी है, ये सब सही है, हाँ, लेकिन कुछ लोग गलत भी है, हर कोई सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये अपने आप में गलत है वो भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग उनको लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो कर नहीं रहे। मतलब वो क्रिएट करके ऐसे नहीं कर सकते, वो गॉड गिफ्ट भी होते। हाँ, आपके स्टोरी लाइन में होना चाहिए, और कोई कोई देवी का या किसी का आपके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप आए। ओके।